जब तक मेरे समझ की बात है, सन 81 में मैं अयोध्या आया जी, और सन 81 से आज तक मैं जानता हूँ कि ये दुकान है और यहाँ पर ग्राहक आते हैं तो भोजन लेने के बाद खुश होकर जाते हैं, असंतुष्ट होकर के नहीं जाते हैं। जी जी हाँ, हमने भी काफी ज्यादा सुना था चंद्र भोजनालय के बारे में। तो जैसा कि देखिए, यहाँ के ओनर ने जो बताया तो बताया, लेकिन जो कस्टमर हैं तो वो आपको बता रहे हैं, तो ये असली रिव्यू होता है किसी भोजनालय का। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, जय श्री राम, मैं पवन यादव। तो गाइस, जैसा कि जानते हैं कि दीपावली आने वाली है, कुछ दिन और बचे हैं, तो काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं अयोध्या में, तो उनको ये डाउट रहता है कि अयोध्या में आए तो कहाँ वो रुकें और कहाँ खाएँ। काफ़ी बड़ी समस्या रहती है, कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी अनजान शहर में जाएंगे तो ये समस्या आपको डाउट हमेशा बना रहता है अपने दिमाग में। तो उसी डाउट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो गाइस, मैं हूँ अयोध्या से, तो आप जानते ही हैं कई ब्लॉग आता है, और गाइस आज वही मैं जो प्रॉब्लम आपकी है मैं वही सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ सही जगह पे कहाँ रुकें और कहाँ पर आप भोजन करें। तो आज इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कौन सा अच्छा धर्मशाला है, और एक धर्मशाला का मैंने रिव्यू किया है जिसका बिरला नाम है, बिरला धर्मशाला। तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, या अभी 2-3 दिन हुआ वो वीडियो बनाते हुए, तो वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा धर्मशाला है, और 100 रुपये और 150-150 रुपये प्लेट वहाँ पे खाना है, और काफ़ी अच्छा खाना है, और जो VIP खाना है, यानी जो अच्छे प्लेट खाना है वो 150 है, बाकी तो 100 रुपये प्लेट है। तो आज हम भोजनालय का, एक भोजनालय है, मैं उसका रिव्यू करूँगा, आपको बताऊँगा कि आप वहाँ खा सकते हैं। एक भाई का कमेंट भी आया था कि हनुमान मंदिर के पास, यानी हनुमानगढ़ी के पास कोई आसपास में कोई भोजनालय हो जो सस्ता मिलता हो और अच्छा मिलता हो, तो आज हम उसी का रिव्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, भोजनालय के पास लेकर चलते हैं आपको, और वहाँ दिखाते हैं कि कितने रुपये प्लेट आपको थाली मिल जाएगी। गाइस, दीप उत्सव की तैयारी भी काफ़ी जोरों शोरों से चालू है, अभी हम दीप उत्सव जहाँ होता है वहाँ पे खड़े हैं, यानी राम पैड़ी के पास। तुम्हारे पीछे आप देखोगे तो राम पैड़ी आपको पूरी यहाँ से यहाँ तक दिख जाएगी, और यहाँ पर ढेर सारे घाट हैं जिसको हर घाट पर एक एक वॉलेंटियर मतलब मेन बनाते हैं, उसके बाद उनके नीचे और भी सब काम करते हैं। जैसे इसमें लाइन देखो बन चुका है ऐसे पूरा, दीप उत्सव यहीं पर होता है, और मेन सेंटर वो रहता है यहाँ पे, जहाँ पे पिलर है, यहाँ पे उसे मैंने खंडर वाली मस्जिद दिखाई थी। और अभी देखिए हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं, तो आज योगी जी आए हैं देखने के लिए कि कौन सा काम हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। तो योगी जी उधर लैंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है नदी के किनारे, तो मैं अभी दिखाऊंगा। और आपको राम पैड़ी पे दीप उत्सव होता है तो उसका भी मैं ब्लॉग लाऊंगा, तो आप बने रहिएगा इस ब्लॉग चैनल पर, और गाइस नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो रही है, और यही सेंटर होता है दीप उत्सव का। तो देखिए यहाँ पे लेजर शो भी वगैरह होता है, और यहाँ पे देखिए पानी के अंदर में जो स्टेज वगैरह लगता है वो लग चुका है, तो 2-3 दिन और बचा हुआ है दीप उत्सव में। और इस साइड आप देखोगे तो टेंट वगैरह लग गया इधर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे घाट ही घाट है, पूरा अलग अलग बांटा जाता है, और पूरा किनारे किनारे दीप जलते हैं। तो भाई सभी हम हैं हनुमानगढ़ी के पास, राम जन्मभूमि कॉरिडोर के बीच में ही हनुमानगढ़ी और कल भवन और राजा दशरथ महल ये सब पड़ता है। तो भाई ने कमेंट किया था कि इसके आसपास जो भोजनालय है वो हमको दिखाया जाए, तो अभी हम हैं हनुमानगढ़ी के पास, और हमारे पीछे आप देखेंगे तो क्लॉक टावर है, तो क्लॉक टावर से थोड़ी सी दूर पर ही हनुमान मंदिर है हनुमानगढ़ी, तो यहाँ पर जो भोजनालय है मैं उसको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ से आपको हनुमानगढ़ी पास में पड़ेगा, बस इस गली के अंदर जाएंगे तो 100 मीटर दूर पर आपको हनुमानगढ़ी पड़ेगा, और हनुमानगढ़ी के रोड पे ही, मेन रोड पे ही आपको ढेर सारे आपको भोजनालय दिख जाएंगे, जैसा कि इधर लिखा हुआ है चंद्रा भोजनालय, लाइन से आपको 3-4 दुकान दिख जाएगी इधर भोजनालय, और उसके बगल में आप देखोगे तो प्रेम भोजनालय भी है, ऐसे करके इधर है सौरभ स्वीट्स, ऐसे जितने भी आपको यहाँ दिख जाएंगे सब भोजनालय ही हैं, और कई प्लेट में आपको खाने मिल जाएंगे। तो चलिए पूछते हैं, रेट पूछते हैं कि कितने रुपये प्लेट, कितने रुपये थाली भोजन मिल जाता है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम हैं चंद्रा भोजनालय के पास, और जो आपको क्लॉक टावर के सामने ही पड़ जाएगा, तो पीछे जैसे चंद्रा भोजनालय लिखा है, तो चलिए चलते हैं इनसे पूछते हैं कि कितने रुपए प्लेट से स्टार्टिंग है यहाँ पे भोजन की, तो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हनुमानगढ़ी के पास में चंद्रा भोजनालय है, और आप देखिए नीट एंड क्लीन, और आपको ऐसे बोर्ड मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा और यहाँ पर आप भोजन करिएगा। तो चलिए इनसे पूछते हैं सर से जो बैठे हुए हैं, तो क्या प्राइस रहेगा भोजन का। गाइस यहाँ पे जो ओनर हैं यहाँ के चंद्रा भोजनालय के, तो इनसे मैं पूछता हूँ सर आपका नाम क्या है। विक्रम गुप्ता। विक्रम गुप्ता, तो सर यहाँ जो भोजनालय है इसकी स्टार्टिंग कितनी है प्लेट की। सादा थाली 80 रुपये की है जी, मारवाड़ी थाली 150 की है, दाल फ्राई से 100 की है, स्पेशल थाली 200 रुपये की है, बाकी प्लेट सिस्टम भी है। अच्छा, आप अपना लीजिए।
तो गाइस आपने सुना कि जैसे यहाँ पे जो ओनर है उन्होंने बताया, तो यहाँ के स्टाफ हैं और यहाँ पे देखिए बन रहा है, इधर आप छोले भटूरे वगैरह भी खा सकते हैं, यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी नान सब कुछ मिल जाएगा इस साइड आप देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे इनसे पूछते हैं, जैसे कि ओनर से हमने पूछा तो अब हम उनसे पूछते हैं जो यहाँ पे खाते हैं। तो सर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ का खाना? ऐसा है, मुझे वो इसी तरह से खाना लगा जैसे 35 साल पहले मैं खाया करता था। अच्छा अच्छा, एकदम कहीं बेहतर है। और इनकी यहाँ की व्यवस्था अच्छी है और भोजन भी टेस्टी है। जब तक मेरे समझ की बात है, 1981 में मैं अयोध्या आया जी, और 1981 से आज तक मैं जानता हूँ कि दुकान है और यहाँ पर ग्राहक आते हैं तो भोजन लेने के बाद खुश होकर जाते हैं, असंतुष्ट होकर के नहीं जाते हैं। जी जी हाँ, हमने भी काफ़ी ज़्यादा सुना था चंद्रा भोजनालय के बारे में। तो जैसा कि देखिए यहाँ के ओनर ने जो बताया तो बताया, लेकिन जो कस्टमर हैं तो वो आपको बता रहे हैं, तो ये असली रिव्यू होता है किसी भोजनालय का। तो भाई चलते हैं इसके अंदर में और आपको दिखाते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा दिखाता हूँ, और काफ़ी पुराना है ये, 50+ का ये भोजनालय है, काफ़ी पुराना, और हनुमानगढ़ी के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा, तो आप भोजन कर सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी बढ़िया है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। गाइस देखिए, तो आप यहाँ को बेंचेस मिल जाएंगे और आप आराम से पूरी फैमिली के साथ यहाँ भोजन कर सकते हैं, और नीट एंड क्लीन यहाँ की सर्विसिंग भी रहती है। और आपको जैसा कि ओनर ने यहाँ बताया कि 70 रुपये प्लेट पड़ता है, आप यहाँ कर सकते हैं। इधर हैंड वॉश वगैरह भी है और वाशरूम वगैरह भी सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आगे ही भोजन बनता रहेगा। और गाइस ये सीधा आपको क्लॉक टावर के जस्ट सामने ही पड़ेगा। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर जो चंद्रा भोजनालय है, और ये हनुमानगढ़ी के जस्ट बगल में ही है और क्लॉक टावर के जस्ट सामने ही है, तो यहाँ पर खा सकते हैं जैसा कि ओनर ने और कस्टमर ने दोनों बताया। तो ये होता है कि रिव्यू काफ़ी बढ़िया हो जाता है अगर कस्टमर बताए, तो इसे पता चलता है कि हाँ वो खाना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो चले चलते हैं, थोड़ा सा और भी आपको दिखाते हैं, एक भोजनालय और भी है काफ़ी फेमस है, तो थोड़ा सा उसको दिखाते हैं। और गाइस भोजनालय का रिव्यू देकर अभी आ गए हैं हनुमानगढ़ी के आगे कनक भवन के पास, क्योंकि शाम के टाइम कनक भवन पर बैठना और काफ़ी सुकून मिलता है, और यहाँ भजन भी होता है, बट अभी नहीं हो रहा है, अंदर अभी होता है भजन, और मैं बैठा हूँ, और देखिए काफ़ी लोग बैठे हैं, साधु संत लोग भी बैठे हैं, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। और गाइस कनक भवन वैसे आना चाहिए जो अयोध्या आता है, तो हनुमानगढ़ी से 100 मीटर दूर पर ही आपको राजा दर्शन महल पड़ेगा, और दर्शन महल से मुश्किल से 100 मीटर दूर पर ये कनक भवन पड़ेगा। तो थोड़ा दिखाते हैं, काफ़ी बच्चे खेलते भी हैं, साधु संत उधर बैठे भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के। तो देखिए कैसे बच्चे खेल रहे हैं, और सभी लोग बैठे हैं, कोई दर्शन कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, और इस साइड देखिए साधु संत लोग बैठे हैं और बात वार्तालाप कर रहे हैं एक साथ, काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे भक्ति का माहौल रहता है चारों तरफ। यह है कनक भवन जो मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा। कनक भवन में भी एक भोजनालय है, आपको इस कॉरिडोर में काफ़ी ज़्यादा भोजनालय मिल जाएगा, बट मेरा ओपिनियन जो था, जो मैं दिखाना चाहता था, वो चंद्रा वाला था, काफ़ी बढ़िया भोजनालय है और काफ़ी स्पेशल खाना भी मिलता है। और आप श्री जानकी महल, जानकी रसोई भी है जो कनक भवन के पास में है, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं। और जो धर्मशाला है, बिरला धर्मशाला, वो काफ़ी बढ़िया है, तो उसका मैंने वीडियो बना के रखा है, तो आप थोड़ा सा कैंपस देखो, ये काफ़ी बड़ा महल है, यहाँ से शुरू होता है और देखिए कैसे वहाँ तक पूरा गया हुआ है। और जो आपको भोजनालय मिल जाएगा श्री कनक प्रसाद जिसको कहते हैं, ये रेड कलर का बोर्ड लगा है, कनक भवन के जो सामने ही आपको दिख जाएगा। तो गाइस अगर ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आप भी देखो और दूसरे को भी जानकारी हो जाए। गाइस भूलिएगा नहीं, आप जहाँ से हो आप ज़रूर कॉमेंट करिएगा। तो गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, जो काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं, जैसे मैंने कि आपको सब धर्मशाला सब कुछ मैंने बताया, आपको बहुत सारे धर्मशाले मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, होटल हैं, धर्मशाले हैं और भोजनालय भी काफ़ी ज़्यादा हैं,
तो जैसा कि मैंने एक दो भोजनालय आपको दिखाया, आपको बिरला मंदिर का भी जो भोजनालय था धर्मशाला का, वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। और कनक रसोई, जो श्री कनक रसोई है जो कनक भवन के पास है, वो भी मैंने आपको दिखाया था। और गाइस बहुत लोग जो नंबर मांगते हैं, तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ आप उसमें अबाउट में आप जाइएगा, हमारे वहाँ ईमेल एड्रेस लिखा है, तो आप ईमेल मुझे कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको आंसर दे दूंगा कि आपको कहाँ पर रुकना चाहिए और कैसे आना चाहिए। बहुत लोग डाउट में है कि बाहर के लोग नहीं आ सकते, वैसा कुछ नहीं है, आप आ सकते हैं। बट ये है कि जिस दिन दीप उत्सव होगा 23 तारीख को, तो उस दिन जिस टाइम दीप उत्सव सेलिब्रेट होता है, उस टाइम राम पैंडी पे अलाउ नहीं करते हैं बाहर के लोग। जिसके पास कार्ड होता है वही अंदर जा सकता है बस, बाकी और कोई नहीं जा सकता, वॉलंटियर ही जाते हैं। तो उसके बाद आपको जस्ट खत्म हो जाता है जो आधे घंटा प्रोग्राम रहता है, उसके बाद पूरे अयोध्यावासी और कोई भी जा सकता है, एनी कहीं का भी हो राम पैंडी के अंदर जा सकता है। तो बहुत लोग के अंदर डाउट था, बहुत कमेंट भी आ रहे थे, तो ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय श्री राम।